नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल न्यूज और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेके बात करेंगे। यहां पर हाल ही में जो दो तीन अपडेट आए हैं, जो न्यूज़ आई हैं, उनको कवर करेंगे। कुछ न्यूज़ पुरानी हो सकती है, कुछ न्यूज़ नई भी रहेंगी। आज की भी न्यूज़ कवर करेंगे और साथ ही साथ यहां पर क्या टारगेट मिला है यस बैंक को, उसको लेके बात करेंगे। NSE का डाटा के बारे में भी बात करेंगे और क्या अब हमारी अगली जो अगर हम बात करें स्टेप हो सकता है या स्ट्रेटजी हो सकती है, वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे वीडियो के आखिरी में। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को अपडेट बस दूंगा और कवर करने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर मैं आपको लेके आया हूँ येस बैंक का। आज का अगर हम डाटा देखें तो 13.60 रुपये पे क्लोज हुआ है, यानी कि 0.25 रुपये की गिरावट देखने को मिली है, 1.81% लग, यानी कि 2% का डाउन आप कह सकते हैं लोअर सर्किट देखने को मिला हुआ है। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 13.85 रुपये पे क्लोज हुआ था, आज गिर के 13.60 रुपये पे हो गया है। लगातार अगर हम बात करें क्वार्टर फोर रिजल्ट के बाद से, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर आज के हम हाई और लो की बात करें, अगर इसमें हम तो आप देख सकते हैं 13.50 रुपये का इसने आज लो बनाया था, जिससे उठ के 13.60 रुपये पे क्लोज करा है। बट अगर इसकी हम हाई की बात करें तो 13.90 रुपये, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 13.85 रुपये थी। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर हमें हाई में नहीं देखने को मिला, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाया आज। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर हम ऑर्डर बुक को थोड़ा सा अगर हम समझना चाहें, तो आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 12.26 करोड़ के करीब हुई है, जिसमें 5.55 करोड़ के करीब क्वांटिटी उठाई गई है, जिसमें कि डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है 45% के करीब है। यानी कि अभी भी डिलीवरी अच्छी खासी उठाई जा रही है, क्योंकि येस बैंक में लोगों का भरोसा है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए लोग उठा रहे होंगे, ये भी चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत होगी। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिन सोचे समझे इतनी हाई क्वांटिटी में अगर शेयर बाय कर रहा होगा तो इतनी हाई क्वांटिटी में बाय करेगा, तो ये चीज़ पर आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर आज का मैं एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दिखाना चाहूँगा, जिसमें यहाँ पर MK ग्लोबल, जो कि यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं रिसर्च करती है फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, बैलेंस शीट को लेके और जो एसेट क्वालिटी होती है, और उसके बेस पे इन्होंने सेल यस बैंक टारगेट प्राइस ₹10, यानी कि यस बैंक को सेल करने की यहाँ पर राय दी गई है इनके तरफ से। और जो टारगेट बताया गया है यस बैंक का ₹10, इनके स्टडी के हिसाब से बोला गया है। आप यहाँ पर आर्टिकल का डेट देख सकते हैं, 6 मई का है, सुबह 11 बजे का। MK ग्लोबल हैज सेल कॉल ऑन यस बैंक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹10। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी, पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ मेन चीज़ क्या, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि क्वार्टर फोर में लॉस देखने को मिला है, प्लस यहाँ पर डिपॉजिट बढ़ी है, बट यहाँ पर लोन जो है, और खासकर अगर हम इनकी बैड लोन की बात करें, जो पुराना लोन है, जो कि हम कह सकते हैं प्रीवियस मैनेजमेंट की गलती थी, यहाँ पर नए मैनेजमेंट की मैं गलती भी नहीं निकाल रहा हूँ, बट क्योंकि वो चीज़ जब तक सही नहीं होगी तब तक वो येस बैंक के साथ तो लगी रहेगी, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। इस वजह से एसेट जो क्वालिटी है वो अभी उतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती येस बैंक में, थोड़ा सा अभी रिस्क है, और क्योंकि कोविड क्राइसिस जिस हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, इस वजह से सभी बैंक पे थोड़ा सा एक मेजर हिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस वजह से इन्होंने जो टारगेट दिया है वो ₹10 का दिया है। अब ये पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। दूसरी न्यूज़ की जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि आपने देखा होगा, आपने यहाँ पर एक्सिस बैंक में स्टेक कम करा है। बाकी सारे बैंक जो हो गए, जैसे SBI बैंक है या जो अदर प्राइवेट बैंक है, जिन्होंने यहाँ पर स्टेक लिया था येस बैंक में, क्योंकि एक साल पहले की अगर हम बात करें तो येस बैंक एक तरह से डिसॉल्व हो रहा था, उस वक्त सारे बैंकों ने ही बढ़ चढ़ के आगे आया था, यहाँ पर स्टेक लिया था पूरा रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के टाइम। और एक्सिस बैंक ने एक बहुत मेजर क्वांटिटी में यहाँ पर अपना स्टेक जो है वो अपना सोल्ड किया है, तो ये भी एक थोड़ा सा समझने वाली बात होगी। ऐसा नहीं है एक्सिस बैंक ने पूरी तरह से स्टेक खत्म कर दिया, अभी स्टेक एक्सिस बैंक के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में, बट यहाँ पर उन्होंने अपना स्टेक बेचा भी है, तो एक अपडेट ये हो गया। तो यहाँ पर अब हमें समझना होगा कि अगला स्टेप हम क्या ले सकते हैं जब हमें गिरावट देखने को मिल रही। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ आप लोग को राय दूंगा, किसी के भी कहने पर पैनिक होके यहाँ पर अगर आप लॉस में एग्जिट कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लॉस में मत एग्जिट करिएगा, मैं आपको लगातार बोलूँगा। थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन उस पेशेंस का मतलब ये नहीं है 2 महीने या 5 महीने, जो आप अगर ज़्यादातर यूट्यूबर को देखते हैं 400 या 300 का टारगेट आपको मिल जाता है, और आप कई महीनों से लगा के बैठे होंगे, 200 या 300 400 छोड़िए, अभी तक आप 20 का लेवल भी नहीं देख पाए होंगे। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ यही होगी, अभी एक ही स्ट्रेटजी हो सकती है, जिनको लोअर पे बाय करना है, जो रिस्क लेना चाहते हैं
वो यहाँ पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं क्योंकि शेयर गिर रहा है, तो यहाँ पर एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है क्योंकि मैं 12 के नीचे हमेशा बाइंग रिकमेंड करता हूँ यस बैंक में, अगर जो लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट जिनको थोड़ा सा विश्वास नहीं है तो उनके लिए मैं यहीं पर एक ही एडवाइस करूंगा कि आप चुपचाप खाली यस बैंक का अपडेट लेते रहें, देखते रहें। जब ये एक अपर लेवल में, अगर मैं बात करूँ 17 रुपये के रेजिस्टेंस 17 के लेवल को टच करे, 17 का लेवल टूटे, उसके बाद आप यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एक अच्छी उम्मीद जगा सकते हैं, एक अच्छा कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं क्योंकि यस बैंक भी कॉन्फिडेंस शो कर चुका होगा तभी वो 17 का लेवल क्रॉस करेगा, उसके बाद आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और एक लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों ही केस में जो लॉन्ग टर्म है वो 1 से 2 साल का रहेगा, ये ना मत समझिएगा आप अगले 2 या 3 महीने में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो रिजल्ट है वो बैंक के फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं निगेटिविटी बात कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो भी हमें समझना होगा। लॉजिक के बेस पे जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ही हमें लेके चलना होगा क्योंकि किस तरह से वो रिकवरी हो रही है, जो डिपॉजिट इन्होंने बढ़ाया है उसको ये किस तरह से आगे ये बांटते हैं ताकि इंटरेस्ट कमा सकें, प्लस जो कोविड है उसके चलते अगले 3 महीने या अगले 6 महीने में कितना ये रिकवरी कर सकते हैं फ्रेश लोन पे, और कितना ये जो इनका बैड लोन है, जो पुराना लोन है उस पे कितनी रिकवरी हो सकती है, वो सारी चीज़ें भी देखने वाली होंगी। तो इसीलिए कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी में मत लीजिएगा, सोच समझ के ही लीजिएगा, उसके बाद ही आप बाय या सेल करने का डिसीजन लीजिएगा। इसके अलावा आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए।